नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसे बीज मंत्र की बात कर रही हूँ जिसे जाप करने से आपको इसकी कोई नियम की विधि नहीं है, सिर्फ दो प्रक्रिया मैं बताने वाली हूँ जिसे आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एक ऐसा चक्र है जो अगर जागृत हो जाता है तो याद रखिए आपके जीवन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को खींचने के लिए आपको किसी भी चीज की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और ये चक्र अगर एक्टिवेट हो गया तो आपके जीवन में सारी खुशियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन वो करे तो करे कैसे, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरुदंड की अंतिम हड्डी उसे कहते हैं मूलाधार चक्र। रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे वाली हड्डी इसे कहते हैं मूलाधार चक्र। इसको जड़ चक्र भी कहते हैं, यानी रूट चक्र भी कहते हैं। तो रूट चक्र, जड़ चक्र यानी आपका शरीर, ये जिस हड्डी पर केंद्रित है, यानी आप जब बैठते हैं तो फिर ये जो हड्डी है ये सीधे सीधे आपकी रूट चक्र से कनेक्टेड है। यानी कि आप जो अभी सीधे होकर बैठे भी हुए हैं तो आपके जो सेवन चक्रस है उसमें सबसे भारी चक्र मूलाधार चक्र को कहते हैं। मूलाधार चक्र अगर किसी इंसान का एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो याद रखिए उस इंसान के डिजायर्स बहुत जल्दी कंप्लीट होते हैं और वो इंसान बहुत खुश रहता है। आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, कहीं भी आपकी स्टक एनर्जी हो गई है जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, चलिए एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ लेते हैं। अगर आप चंद्र के जातक हैं, आपके लग्न में चंद्र है या फिर आपके नक्षत्र में चंद्र है या फिर आपका चंद्र का महादशा अंतर्दशा चल रहा है, तो ऐसा इंसान या तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज से भुगतेगा, मानसिक डिप्रेशन से भुगतता है अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में आ रहा है तो। वहीं पर अगर चंद्र का सीधा सीधा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगा, आपको आपका दिमाग जो है वो हमेशा शांत रहेगा। तो चंद्र यानी आपका मन, वैसा ही मूलाधार चक्र, तो मन के साथ का कनेक्शन यानी आपके सारे डिजायर्स बेस जो है वो है मूलाधार चक्र। अगर ये चक्र आपका बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो याद रखिए आपकी बाकी चक्र जो जिस पर निर्भर करके है, यानी मूलाधार चक्र के ऊपर जितने भी सारे चक्र बैठे हुए हैं यानी उस पर ही केंद्रित करके है, वो सारे चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लम, और इसे दूसरे तरीके से कहा भी जाता है तो लंग भी कहा जाता है। तो लम, लव यानी जब आप कह रहे हैं तो ये एक एनर्जी विकसित हो रही है, एक खिंचाव आ रहा है लम। तो जब आप लम कह रहे हैं तो इसका सीधे सीधे कनेक्शन बन रहा है आपके रूट चक्र के साथ। आपका रूट चक्र अगर एक्टिवेट है तो आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप अट्रैक्ट नहीं कर सकोगे, फिर आपको अलग से किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसा सिद्ध बीज मंत्र बन जाता है जब आप इसको कभी भी कहीं भी कैसे भी यूज करने लगते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके रूट चक्र के साथ कनेक्टेड होता है। तो जिस चक्र को आपको जागृत करना है, जिस पर बेस करके ही सारे चक्र है, वो है रूट चक्र, मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको हमेशा चलते फिरते मन ही मन लम 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 कहते रहना है। मान लीजिए आप बहुत डिप्रेशन में हैं, मान लीजिए आप बहुत तनाव में हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, सिचुएशन आपके अगेंस्ट चली गई है, सिचुएशन आपकी ऐसे अगेंस्ट में गई है कि आपको लग रहा है कहीं से भी कोई भी चीज का निदान नहीं मिल रहा है, कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि आखिर इस सिचुएशन से हम निकले कैसे, ये प्रॉब्लम से हम निकले कैसे। तो ऐसे में आपको सिर्फ दो चीजों का प्रयोग करना है। दो चीजों में पहला प्रयोग ऐसे करना है कि आप चलते फिरते नहाते खाते जब मन आपको लगे आप लम 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 आप चांटिंग करते रहें, जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया था मन ही मन क्लीम 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 कहते रहिए। तो वैसे ही आपको मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको कहीं भी किसी भी स्थान पर आपको लम 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 ऐसा आपको अपने मन ही मन चांटिंग करते रहनी है। दूसरा तरीका होता है कि आप शांत होकर बैठ जाए, अपने स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधी रखें, 10 बार आपको सांसों को लेना है, सांसों को होल्ड करना है, फिर सांसों को छोड़ना है, ऐसा आपको 10 बार करना है, क्योंकि इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका दिमाग ये शांत होता है, स्थिर होता है, आपके दिमाग
से वो सारी नेगेटिव ऊर्जा उस समय बाहर चली जाती है और जितनी पॉजिटिविटी आप अभी कलेक्ट करेंगे उसके लिए आपका दिमाग आपका शरीर तैयार होना शुरू कर देता है। तो इसीलिए 10 बार इनहेल 10 बार एक्सहेल करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो करना है सीधे सीधे आपको अपने चक्र पर ध्यान अर्जन करना है, यानी फिर ध्यान देना है आपके चक्र पर, आपके मूलाधार चक्र पर। और मूलाधार चक्र को आपको सोचना है कि आपकी सारी एनर्जी को मूलाधार चक्र पर लेकर जानी है और उसके बाद आपको धीमे स्वर से और बहुत ही हल्के और आराम से आपको कहना है लम। यानी जब आप लम कह रहे हैं तो जब आपके होंठ बंद हो रहे हैं तब वो वाइब्रेशन आपको समझ में आ रही है। तो दैट मीन्स ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप चलते फिरते कीजिए या तो फिर आप इसको एज अ मेडिटेशन के हिसाब से आप ये प्रक्रिया को कर सकते हैं। जितना लंबा खींचने के बाद आप होंठों को बंद करेंगे जब म बोलते हैं तब जाकर आपको वो वाइब्रेशन समझ में आएगी। तो इसका जो झंझनाहट है ये सीधा आपके मूलाधार चक्र पर जाती है और वहीं से आपके सारे चक्र बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। मूलाधार का संबंध आपके अचेतन मन से होता है, यानी अवचेतन मन से होता है। तो यानी कि आप जो भी सोचते हैं जो भी करते हैं वो आपके अवचेतन मन में वो रहता है। तो इसीलिए अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में एक सुचारू ढंग से अपने जीवन को आप चलाना चाहते हैं तो बेसिक चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि आपके चक्र को एक्टिव करने की जरूरत होती है। इस चक्र का रंग होता है लाल, यानी आपको धीरे धीरे ऐसे सोचना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके क्राउन चक्र तक एक लाल रंग का ऊर्जा है जो आगे बढ़ रहा है, यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो यानी कि मूलाधार चक्र यानी लम, ये जो है मूलाधार चक्र का रंग होता है लाल। तो लाल रंग को हम लोग कहते हैं शक्ति का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक, और इसे कहते हैं जागृति और विकास का प्रतीक। तो लाल रंग, जब भी आप लम को चांटिंग करें तो आप इसको लाल रंग के हिसाब से आप इसे ऐसे चांटिंग करें जैसे आप खुद ही देख रहे हो कि एक ऊर्जा है जो आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए सीधे सीधे बढ़ते बढ़ते आपके क्राउन चक्र को छू रही हो। तो जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में एक शांत चित्त मन का एक विकास हो रहा है। हमारा मन जो है ये बहुत सारे थॉट प्रोसेस के साथ चलता है, जिसमें हमें सबसे पहले जरूरत होती है जागृति की, विकास की, ऊर्जा की। तो ये ऊर्जा तो हमें हर तरफ से मिल ही जाती है, लेकिन सटीक ऊर्जा का हमें जो विकास के लिए जरूरत होती है वो होती है हमारे चक्रों से। तो आपका जो मूलाधार चक्र है अगर ये जागृत कर लेते हैं तो आपके सारे चक्र ऐसे ही जागृत होने शुरू हो जाते हैं। तो आपके बेस जो है जिस पर इमारत खड़ी है, अगर वो बेस बहुत स्ट्रांग होगा तो इमारत भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। लेकिन अगर आपका बेस ही कमजोर रहेगा, आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे, आप उसकी इमारत पर मेहनत करेंगे, तो फिर वो बेस तो कभी भी लड़खड़ाएगा। तो अगर बेस लड़खड़ाता है तो आप जितने भी ऊपर का कंस्ट्रक्चर जितने भी आप शक्तिशाली बना लो ये गिरना ही गिरना होता है, क्योंकि इसका बेस जो है जो रूट है वही कमजोर है। तो आपको सबसे पहले काम करना है मूलाधार चक्र पर। अगर सारी खुशियों को चाहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अर्जन करना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियों को पाने के लिए आप इस सिद्ध बीज मंत्र का जाप कीजिए। जब भी आप जाप करेंगे आपको एक अजीब सी एनर्जी का एहसास होगा, जो एनर्जी आपको अचानक से आपके प्रेजेंट सिचुएशन से थोड़ा सा अलग हटाकर लेकर आती है। यानी कि आप अभी बहुत परेशान थे, अचानक से आपको लगेगा कि मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, मुझे अब कोई परेशानी नहीं लग रही है। आप डिप्रेशन से बाहर आना शुरू कर देंगे। अचानक से आपको फील होगा कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव बन गए हैं, नए नए विचार आ रहे हैं और आपको लगेगा कि आप हर कार्य को करने के लिए आप सक्षम हो गए हैं। तो आप ये छोटी सी प्रैक्टिस करके देखिए, ब्रह्मांड आपके इशारों पर नाचेगा। बस आप अपने बेस को जो है, आपका जो रूट है, इसको बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग बना लीजिए, फिर जीवन में कोई भी समस्या नहीं रह जाती है, बल्कि हर एक समस्या का समाधान निकल आती है खुद ब खुद आपके दिमाग से, क्योंकि इसे आपको बहुत खूबसूरती से इसे सजाना है, यानी आपके दिमाग को, आपकी सोच को और आपके जीवन को। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।